साल 2020, कोरोना पूरी दुनिया के लिए बनकर आई अभूतपूर्व चुनौती। भारत भी नहीं रहा इससे अछूता। देश ने एकजुट होकर सदी की सबसे बड़ी महामारी का किया सामना। लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग बीमारी की चपेट में आकर हमें छोड़ भी गए। जो चले गए उनके पीछे परिवारों में रह गए बच्चे अकेले। नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने ऐसे बच्चों की सहायता से लेकर सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में शुरू की है एक पहल, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। साथ और विश्वास से भरा एक प्रयास जिसके तहत बच्चों को उनके अभिभावकों या रिश्तेदारों के संरक्षण में पहुंचाया गया है। बच्चे का कोई भी रिश्तेदार न होने की स्थिति में उसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया गया है। आंगनबाड़ियां उनके संपूर्ण पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच का ख्याल रख रही हैं। और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। बच्चों के सुरक्षित संरक्षण का जिम्मा जिला मैजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा बच्चों को छात्रवृत्ति के अलावा रहने, खाने और किताबों के लिए धनराशि दी गई है। छुट्टियों में उनके रहने की व्यवस्था उपयुक्त स्थान पर की गई है। उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दिलाया गया है जिसके इंटरेस्ट का भुगतान पीएम केयर्स फंड से होगा। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रधानमंत्री कोष से मिलने वाली धनराशि को आयु अनुसार इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि बच्चे के 18 साल का होने पर होगा 10 लाख रुपए। इस राशि पर मिलने वाले इंटरेस्ट से बच्चों को 18 से 23 साल की आयु तक हर महीने खर्च के लिए धनराशि दी जाएगी। साथ ही स्कूली शिक्षा के बाद तकनीकी शिक्षा के लिए स्वानाथ छात्रवृत्ति योजना से 50,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जानी है। 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए कौशल प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। साथ ही गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए लगातार काम कर रहा है ताकि असीम क्षमताओं से भरे इन बच्चों का भविष्य हो उज्जवल और अनंत सफलताओं से भरा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, साथ और विश्वास से भरा एक प्रयास।